नमस्कार रिता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। चार राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर वोटों की गिनती चल रही है, जहां बीजेपी 142 और कांग्रेस 85 सीटों पर आगे है, जबकि 3 सीटों पर अन्य बढ़त बनाए हुए है। वहीं राजस्थान में 199 सीटों की मतगणना में बीजेपी 117 तो कांग्रेस 66 और 16 सीटों पर अन्य आगे चल रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के सभी 90 सीटों का रुझान आ चुका है। 55 सीटों पर बीजेपी तो 33 पर कांग्रेस आगे है, वहीं 2 सीटों पर अन्य आगे हैं। तेलंगाना की बात करें तो यहां भी मतगणना जारी है। रुझानों में केसीआर की पार्टी बीआरएस पिछड़ती दिख रही है। कांग्रेस 64 सीटों पर आगे है तो बीआरएस 41 सीट, एआईएमआईएम 4, बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं 1 सीट पर अन्य बढ़त बनाए हुए हैं। 4 दिसंबर को महाराष्ट्र की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपनी यात्रा के दौरान सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। आज रायपुर के दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। राजभवन का करेंगे दौरा। रायपुर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लॉ छात्रों के साथ करेंगे बातचीत। कोचिन शिपयार्ड में 3 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च। दुश्मन की छिपी पनडुब्बियों को खोज कर मारने में सक्षम। चक्रवात मिचौं का खतरा मंडराया। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, 54 ट्रेनें रद्द। गगनयान मिशन को लेकर बोले इसरो प्रमुख, कहा गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री तैयार, 2025 में उड़ान भरने का इंतजार कर रहे हैं। कर्नाटक में 3 सहकारी बैंकों के घोटाले की जांच करेगी सीबीआई। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला आया सामने। भारत के युवा का भविष्य बदल रहा है, जल्द हासिल करेंगे अस्थाई विकास लक्ष्य। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कही बड़ी बात। इसराइल हमास युद्ध को लेकर यूएस के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का आया बयान, बोले इसराइल और हमास युद्ध में कई निर्दोष फिलिस्तीनी मारे गए। भ्रष्टाचार मामले में फंसे पीटीआई अध्यक्ष परवेज इलाही और उनके बेटे की बड़ी मुश्किलें, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने दर्ज किया मामला। फिलीपींस में 7.6 की तीव्रता का आया भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में आतंकी हमला, 8 लोगों की मौत। वोटों की गिनती के बीच सीएम शिवराज से मिलने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश के रुझानों में बीजेपी को बढ़त। तलाशी अभियान के दौरान रजौरी के जंगल में मिली 5 किलो आईईडी, बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। तेलंगाना में निष्पक्ष मतगणना को लेकर चुनाव आयोग सतर्क। निजामाबाद में चेक की गई केसीआर की बेटी की गाड़ी। दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए महाराष्ट्र के पहले आईटीआई का उद्घाटन, कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने दी जानकारी। यूपी में अद्यतन यातायात नियम तोड़ने वालों का रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन किए जाएंगे सीज, सीएम योगी का आया बयान। उत्तराखंड में सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सब्सिडी में हो सकता है इजाफा, नीति को मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के बागवानों को सरकार सेब की उन्नत किस्मों के 5 लाख पौधे सस्ते दरों पर उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने इस साल विदेश से सेब के पौधे आयात ना करने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्णी में अलगाववादी नारे लिखने के मामले में 3 युवक जलंधर से किए गए गिरफ्तार। एनआईए ने जाली नोटों के रैकेट का किया भंडाफोड़। उत्तर प्रदेश बिहार समेत 4 राज्यों में हुई छापेमारी। 2023 में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में आया उछाल, ईवी उद्योग के अधिकारी ने दी जानकारी। आईएमएफ के ईडी केवी सुब्रमण्यम ने देश के जीडीपी और जीएसटी कलेक्शन को सराहा, कहा जीएसटी संग्रह का अच्छा प्रदर्शन अच्छी नीति लागू करने के कारण है। मछली टैंकों के निर्माण से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में 6 स्थानों पर दबिश। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में ईडी की कार्रवाई।